मैं हूँ आदर्श विजय बिंद और आप देख रहे हैं द ह्यूमन मेली। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों में भी, उनको भी हेल्प इस मिल वीडियो सके। में बात बिल्कुल करेंगे सेकेंड काउंसलिंग के बारे में, जो सेकेंड काउंसलिंग हो रही है वो कितने रैंक सेकेंड आपको काउंसलिंग बताएंगे इस वीडियो में, और हम ये भी बात करेंगे कितने रैंक तक आपका एडमिशन हो सकता है, मतलब आपको सीट मिल सकती है। और हम बात करेंगे जो रैंक है वो कितनी रैंक होनी चाहिए जो आप सेकंड काउंसलिंग में आ सकते हैं, आपको सीटें मिल सकती हैं, और जो आप सीट फर्स्ट काउंसलिंग में छोड़ चुके हैं वो सेकंड काउंसलिंग मिलेगी कि नहीं, वो भी हम बताएंगे आपको। अगर आप सीट ले रहे हैं तो आपको 10,000 रुपये काउंसलिंग में पे करने हैं कि नहीं करने हैं, अगर आप सीट नहीं ले रहे हैं तो पे करने हैं कि नहीं करने हैं, वो मैं इस वीडियो में बात करूंगा। क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर मेरा इतना रैंक है, उतना रैंक है, मुझे मिलेगा कि नहीं, तो इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुँचा रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूँ आदर्श विजय बिंद, BBT फोर्थ ईयर स्टूडेंट, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज, सैफ इटावा। तो जैसा कि हमने पहले बता दिया कि जो आपकी सेकंड काउंसलिंग होनी है वो सेकंड काउंसलिंग कभी भी आपके पास ईमेल आ सकता है, तो आप ईमेल अपना प्रॉपर चेक करते रहें, कभी भी ईमेल आ सकता है। जो अगर ईमेल आ गया है तो ये आप पहले देखिए ईमेल कैसा है, क्या लिखा है ईमेल पे। अगर ईमेल आता है आपकी सीट के अकॉर्डिंग तो उसमें लिखा रहेगा कि आप सीट को ये सीटें मिल गई हैं, तो नहीं अगर समझ में आता तो आप साइट पर जाइए, साइट में नहीं तो जैसा भी होगा हम वीडियो अपडेट कर देंगे, साइट पर जाकर अपना सीट चेक कर सकते हैं, आपको कौन सी सीट आपके लिए एलिजिबल है, आपको कौन सा दिया गया है, आप कौन सा प्रेफरेंस चूज किए थे। अगर आपको ये समझ नहीं आता हमारी सीट हमारे तो 600 रैंक, हमारे तो 200 रैंक थी तो हमें सीट क्यों नहीं मिली, तो आप इसके पहले मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उसके बारे में डिटेल जानकारी दे चुका हूँ, तो उस पर आप जाके बात कर सकते हैं। तो जो सेकंड काउंसलिंग हम बात करने वाले थे वो थी हमारी रैंक की। तो अगर आपके 2,000 से कम रैंक है तो ही आप सेकेंड या थर्ड काउंसलिंग भाग ले पाएंगे, अन्यथा आप नहीं ले पाएंगे। और हम बता दें कि ये जो रैंक आप अगर 2,000 के ऊपर आपकी रैंक है तो आपको मिलना मुश्किल है, तो आपको परेशान नहीं होना है। बाकी 2,000 के ऊपर जितनी भी रैंक है मुश्किल है उनको सीट मिल जाए, क्योंकि जो सीटें अवेलेबल हैं वो 2,000 तक अंदर ही में भी हो सकता है कि ख़त्म हो जाए सीटें, क्योंकि 2,000 सीटें तो 660 ही हैं लेकिन रैंक तो 2,000 तक जा रही है ना, इस वजह से कुछ कुछ लोग डिग्री नहीं डिग्री छोड़ देते हैं, या फिर मान लीजिए कि डिग्री नहीं मिलती तो डिप्लोमा ले लेते हैं, तो डिप्लोमा नहीं करना चाहते, तो उनके लिए डिप्लोमा तक 2,000 रैंक तक जा सकती है। तो अब हम बात करें, कुछ लोग बोल रहे थे कि सर हमारा 300 रैंक है, हमको ये चाहिए था नहीं मिला, तो उसमें बता दें कि जो देखिए कोई भी डिग्री कोर्सेस है उनमें टोटल 60 सीटें हैं, 60 सीटें में क्या है तीन कैटेगरी आती है, तो जनरल, OBC और SC। तो अब जनरल में 20 सीटें होती हैं जो बैचलर डिग्री हैं, और OBC में भी 20 सीटें होती हैं बैचलर डिग्री की, और SC में 20 सीटें होती हैं। तो आप जिस कैटेगरी से उसमें टोटल कितनी सीटें हैं, 20 सीटें। तो आपकी रैंक अगर 100 भी है या 150 भी है तो आप सोच सकते हैं आपकी जो फर्स्ट प्रेफरेंस हो सेकंड प्रेफरेंस हो ना मिल पाए, क्योंकि 20 ही सीटें उसमें, 20 सीटों में 5 सीटें जो होती हैं PH, EWS, ये सब फ्रीडम फाइटर, इन सब से रिलेटेड होती हैं, जो कि 3-4 सीटें उसमें निकल जाती हैं, 5 सीटें उसमें निकल जाती हैं, तो आपके बचे 15 सीटें। अब 15 सीटों में अगर आपके पास EW जनरल है तो EWS नहीं है, तो आप सोच सकते हैं कि आपके पास EWS नहीं है तो आपसे पहले जो EWS जिसके पास होगा उसको मिल जाएगी। अगर आपकी 150 रैंक है और किसी का 150 रैंक है, अगर उसके पास EWS है तो पहले उसको प्रीफर किया जाएगा, फिर आपको दिया जाएगा सीट, या EWS वाली सीट उठ चुकी है तो EWS की सीट उठ चुकी है तो उसको नहीं मिल सकता। तो ये होता है आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया। तो 20-20 सीटें जो है डिवाइड किया गया है हर हर एक कैटेगरी में बैचलर के लिए, बाकी डिप्लोमा के लिए भी इसी तरह डिवाइड किया गया है हर एक कोर्सेज में, हर एक कैटेगरी में। तो इस तरह से आपको जो लग रहा है कि 60 सीटें हमारी रैंक 150 है हमको क्यों नहीं मिली, तो यही वजह है कि क्योंकि आपकी कैटेगरी में टोटल जो बैचलर डिग्री वो उसकी टोटल 20 सीटें हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे, अगर आप काउंसलिंग लेटर आ गया है आपके पास, आप काउंसलिंग करा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करा काउंसलिंग करा रहे हैं, आपको 10,000 रुपये जो पे कर रहे हैं, आपको क्या करना है उस 10,000 रुपये में, जब आप डिसीजन लेंगे तो डिसीजन में आपको करना क्या, जो डिसीजन मेकिंग ऑप्शन है पोर्टल पे जाएंगे तो पोर्टल डिसीजन मेकिंग ऑप्शन में क्या करना है, आपको जाके सबसे पहले अगर आप सीटें ले रहे हैं तो एक्सेप्ट ब्रीज करना है, अगर सीटें नहीं ले रहे हैं सेकंड के अलावा थर्ड काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो
क्या करना है, एक्सेप्ट एंड अपग्रेड या रिजेक्ट एंड अपग्रेड, ये दोनों ऑप्शन चूज कर। अगर आपको 10,000 रुपये कब पे करने हैं, 10,000 रुपये तब पे करने हैं जब आप एक्सेप्ट एंड फ्रीज करते हैं या फिर एक्सेप्ट एंड अपग्रेड करते हैं। अगर एक्सेप्ट एंड अपग्रेड एंड और एक्सेप्ट एंड फ्रीज करते हैं, इन दोनों ऑप्शन में आपको 10,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। अगर एक रिजेक्ट एंड अपग्रेड या रिजेक्ट एंड कैंसिल करते हैं तो इन या एग्जिट करते हैं तो इन ऑप्शन में आपको 10,000 रुपये नहीं पे करने हैं। अगर आपके पास ईमेल नहीं है, आपको सीट भी नहीं मिली, फिर भी आपने 10,000 रुपये पे कर दिए हैं तो आपके वो पैसे वापस हो जाएंगे। आपको चिंता करने की, जिस माध्यम से आपने पैसे पे किए हैं उसी अकाउंट में उसी माध्यम से आपके पैसे वापस हो जाएंगे। तो इनके बारे में डिटेल में जानकारी दूंगा आपको, पैसे कैसे अगर नहीं भी वापस होने तो कैसे वापस होंगे वो मैं प्रोसेस नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आज रही ये हो गई हमारी ईमेल और सेकंड काउंसलिंग की जो प्रक्रिया, कुछ बात की है हमने सीटों की कि कितनी सीटें किस डिपार्टमेंट में है, वो सारी बातें आज हमने बता दी आपको, क्योंकि आप बहुत परेशान हो रहे थे, बहुत सारी कमेंट्स आ रहे हैं, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा भी समझ में आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों में भी, उनको भी हेल्प मिल सके इस वीडियो के माध्यम से। तो चलो आज की वीडियो के लिए इतना ही।